नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2023 के बारे में। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बिना गलती के यहाँ पर हम लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एग्जाम आप लोग का नहीं होने वाला है। अगर आपके 70% भी है तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप लोग के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अप टू डेट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे जो 3 प्रकार की वैकेंसीज है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पर वैकेंसीज है आपकी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, और यहाँ पर जो है डाक सेवक की आपकी ये वैकेंसीज है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको यहाँ पर आपके स्टेट दिखेंगे, इन स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जैसे यहाँ पर आप अप्लाई आएंगे तो हम लोग यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी, यहाँ पे आपको 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर देना होगा, आपको आपकी ईमेल आईडी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट मोबाइल नंबर करना होगा, ओटीपी आएगा वो आपको डालना होगा, आपको यहाँ पर आपका नेम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट का नेम आपको 10th के अकॉर्डिंग ही डालना है, यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट में। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम देना है आपका, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है जेंडर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जो है कम्युनिटी दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल विद सेकेंडरी स्कूल पास, कौन से स्टेट से आप पास आउट हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कैप्चा डाल लेना है, तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल देंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है ओटीपी वगैरह डाल लेते हैं, फिर उसको सबमिट हम लोग को यहाँ पर करना है, तो हम लोग डिटेल्स डाल लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमने पूरी ही डिटेल डाल ली, और हमारे ओटीपी भी यहाँ पे जो हमारे जो ओटीपी आते हैं उसको हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है, और आगे हम यहाँ पर हम फॉर्म का अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना होगा, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर आपको 12 डिजिट यहाँ पर देने, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, यस अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी के टाइप दिख जाएंगे, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जो है सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप लोग को यहाँ पर लोकल लैंग्वेज डालना है, ठीक है। आप देख सकते हैं लैंग्वेज टू स्टडी इन सेकेंडरी, मतलब यहाँ पर पूछा गया आपने जो सेकेंडरी स्कूल में कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट में आपकी लैंग्वेज थी, तो आपको यहाँ पर जो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेंगे क्या आप अभी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग को फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ये साइज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 KB से 200 KB के अंदर यहाँ पर होना चाहिए, DPI डायमेंशन दिया गया हुआ है। ऐसे आप सिग्नेचर का देखेंगे तो सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर आपको आधार कार्ड, ये सारी डिटेल फिलअप अच्छे से कर लेनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने फोटो अपलोड कर दिया और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम लोग सबमिट करेंगे और आगे की यहाँ पर प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बी कम्प्लीट सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ये हमारा नंबर जो है जनरेट हो चुका है। कंटिन्यू टू अप्लाई पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोग का जनरेट हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आपको आपका सर्कल सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा, इस पर आपको सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो हम सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल्स आ चुकी है, यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर देना है, स्ट्रीट देना है, सिटी विलेज आप लोग को यहाँ पर जो है नाम देना है, अगर आप लोग को यहाँ पर जो है आपका पंचायत डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड आपको देना है। अगर आपका यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जो है आपने यहाँ पे कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टेड बोर्ड आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ से जो है आप लोग सिलेक्ट कर पाएंगे।
नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप भी देखने को मिल जाएगा कि आपका परसेंटेज अगर सीजीपी था तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, कौन से ग्रेड कितने मार्क्स वाला आपका है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर जो है मार्क्स सेक्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम आ चुके हैं। यहाँ से जो है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के उसमें यहाँ पर कितने मार्क्स है वो सारे आपको यहाँ पर फिलअप करने। तो यहाँ पे जो है आप कोई गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के नंबर सेलेक्ट करने। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको फिलअप कर लेते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स डिटेल्स देख सकते हैं, सारे ही हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट के जो है सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके यहाँ पर मार्क्स दे दिए। इसको अब हम सेकेंड नेक्स्ट पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ये चूज़ योर प्रेफरेंस हेयर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट डिवीज़न फॉर अप्लाइंग, कौन से डिवीज़न से यहाँ पर अप्लाई आप लोग को करना है वो आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस भी डिवीज़न से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आप लोग स्क्रॉल करेंगे और सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो हमने डिवीज़न सिलेक्ट किया था वहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पोस्ट दिया गया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आप पूरी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ पे जो है दिया गया हुआ है डाउनलोड टू वैकेंसीज फॉर सिलेक्ट डिवीज़न, सिलेक्ट डिवीज़न भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप पे जो है आपको इसको प्रेफरेंस देना है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग 1 और यहाँ पे जो है इस तरीके से आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर, जिस भी यहाँ पर जो है ऑफिस में डिवीज़न से आप अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है पूरी चीज़ यहाँ पर जो है आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पूरे प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, जो प्रेफरेंस हमारे यहाँ पर जो है हमको सही लग रहे थे वो हमने प्रेफरेंस अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है डिवीज़न भी यहाँ पर मध्य प्रदेश और सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट डिवीज़न में भोपाल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर डिवीज़न आ चुके थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम लोग को इसको स्क्रॉल करना है और आगे जो है यहाँ पर सबमिट पर फाइनली हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग इसको सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पर जो है आप अब पेमेंट वाला आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है, अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट से तो आपके यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पर मैसेज आ चुका है, डेटा सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज़ फीस योर कंप्लीटेड द एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है 100 रुपये का आपका यहाँ पे फीस चार्ज लगने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी यहाँ पर दिखाई गई है और अमाउंट यहाँ पर बता रहा है। तो आपको मेक एंड पेमेंट पे यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, यहाँ से जो है आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग थ्रू यहाँ पर जो है पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिना गलती के हम लोगों ने कितने आसान तरीके से यहाँ पर जो है सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।